अभी आपके समक्ष वैदिक विद्वान विनय वेदालंकार जी ने एक बात कही और आप में से कुछ लोगों ने उसका विरोध स्वरूप कुछ कहा, तो मैं बैठा पीछे देख रहा था, सुन रहा था इस बात को, और एक बात मैं मेरे मन में आई कि वो मैं अवश्य आपके बीच में कहूं। आज से लगभग 52 साल पहले एक किसी प्रकार का उत्सव हो रहा था आर्य समाज का, और मैं उस वक्त युवा था, 15-16 साल का रहा होऊंगा। उस सम्मेलन के अंदर स्वामी रमेशानंद जी ने एक बात कही थी इसी प्रकार की, जब लोगों ने कहा कि आर्य समाज जी लोगों का दिल बहुत दुखाते हैं खंडन करके, ये नहीं होना चाहिए, तो स्वामी रमेशानंद जी ने कहा कि कल से जब आप यहां पर आए रात्रि में अधिवेशन में, तो अपने घर के ताला बंद करके मत आए, क्योंकि चोरों का दिल दुखता है। उन्होंने कहा कि कल से आप झाड़ू पोछा बहने करना बंद कर दें, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का दिल दुखता है। तो ये दिल दुखने वाली जो बात है, ये समझ के अंदर नहीं आती। आर्य समाज ही आर्य समाज ही है, आर्य समाज के सिद्धांतों का पालन करना उसका परम कर्तव्य है, अदरवाइज वो आर्य समाजी नहीं हो सकता। इसलिए ये बात, हालांकि मुझे मंच से बोलने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन आज के दिन हमें यह संकल्प करना पड़ेगा, अगर हम आर्य समाजी हैं तो आर्य समाजी, अगर आर्य समाजी हैं तो हम आर्य समाजी हैं, अगर आर्य समाजी नहीं है, देखिए दिल दुखाने की बात नहीं है, जो सत्य है वो हमें कहना ही है। और इस उपलक्ष्य में जब भी हम 125वां वर्ष मना रहे हैं, हमको यहाँ पर संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी रहेंगे और पूरे विश्व में आर्य समाज का प्रचार और प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।